हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निर्मा का जायका। बड़ा पाव को आज तीन अलग अलग तरीके से बनाना बताएंगे, जो बहुत ही टेस्टी होगा और एकदम बाजार जैसा बनेगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले इसका घोल तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बेसन ले लिया है 2 कप। इसमें नमक थोड़ा सा डाल देते हैं और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं। कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी मिला देते हैं। अगर आपको बाजार जैसा बनाना है तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर मिला सकते हैं। फूड कलर टोटल ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इसको बना सकते हैं। बस हल्दी डाल के और पानी डाल के हम इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। धीरे धीरे पानी डाल के हम घोल तैयार करेंगे। घोल ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना ही ज़्यादा पतला होगा। इस घोल में हम तीनों तरह के बड़ा पाव बना सकते हैं। एक ही घोल होगा, तीन तरह के बड़ा पाव बनाएंगे। हम इसको अच्छी तरह फेटेंगे। जितना ही हम इसको फेटेंगे उतना ही अच्छा हमारा बैटर तैयार होगा। इसको लगभग हम 1 मिनट तक फेंट लेते हैं और अच्छा जब हमारा घोल तैयार हो जाएगा तो इसको ढक के और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अपना आलू का मसाला तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा अभी गाढ़ा लग रहा है, इसको पानी डाल के थोड़ा सा पतला हम और कर लेते हैं। चम्मच से इसको हम गिरा रहे हैं तो अभी भी थोड़ा सा मोटा लग रहा है, आसानी से नहीं गिर रहा है। थोड़ा सा पानी हम और मिला देते हैं। अब हमारा बैटर तैयार हो गया है, इसको गिरा रहे हैं तो आसानी से गिर रहा है। इसको अब ढक के हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। घोल को हम रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तब तक आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और इसमें हम 1 चम्मच धनिया का बीज डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच इसमें हम सरसों का बीज डाल देंगे। वड़ा के लिए जो हम मसाला तैयार कर लेते हैं आलू का, उसमें कढ़ी पत्ता बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसमें कढ़ी पत्ता डाल देते हैं। जब कढ़ी पत्ता हमारा चटक जाएगा तब इसमें हम हरी मिर्च और लहसुन को कूट के रखे हैं उसको डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम हींग डाल देते हैं। हींग डाल देने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। हींग डालने के बाद ज़्यादा देर तक चलाएंगे नहीं। इसमें जो हरी मिर्च और लहसुन हमने कूट के रखा है उसको डाल देते हैं। मिर्च हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको अगर तीखा कम पसंद हो तो आप मिर्च को कम कर सकते हैं। कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी मिला देते हैं और ज़्यादा मसाले हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर भी ये बाजार जैसा टेस्ट रहेगा, बिल्कुल भी बाजार के तरीके से हम इसको बना रहे हैं। इसमें मसाले का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं और रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम आलू डाल देते हैं और आलू को भी इसमें भून लेते हैं। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा बिना मसाले का। अब इसमें हम नमक मिला देते हैं स्वाद अनुसार और 1/2 नींबू का रस है, इसको हमने निचोड़ लिया, इसको भी डाल देते हैं। खट्टा के लिए नींबू ज़रूरी है बस, और कुछ हम इसमें नहीं डालेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल देते हैं। हमारा मसाला बन के तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी। हमारा आलू का मसाला भी तैयार हो गया, बेसन का घोल भी तैयार हो गया, तेल भी गर्म हो गया है। अब इसको हम फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम पाव वड़ा बनाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक ब्रेड ले लिया है जो पाव का ब्रेड है और इसको बीच से काट लिया है। बीच से काट के अलग नहीं किया है और इसी में हम आलू का मसाला भर देंगे। अच्छी तरह से इसमें मसाला भर देंगे और मसाला भरने के बाद इसको हम बेसन वाले बैटर में डुबा के और इसको फ्राई करेंगे। ये हमारा पाव बड़ा बनके तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से हम लगा लेते हैं और फिर इसमें बेसन लगा के और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रेड पे अच्छी तरह से बेसन की कोटिंग हो जानी चाहिए, नहीं तो इसमें तेल बहुत ही चला जाता है अगर बेसन अच्छा से नहीं लगता है तो। बेसन को हम अच्छी तरह से लगा लेते हैं और इसको डाल देते हैं। ऊपर थोड़ा सा कम लग रहा है बेसन, इसके ऊपर हम और बेसन गिरा देते हैं ताकि अच्छी तरह से बेसन लग जाए इस पे। अब इसको हम दोनों साइड पलट पलट के और पका लेंगे सुनहरा होने तक। एक साइड हमने 1 मिनट तक पका लिया है, अब इसको पलट देते हैं और दूसरे साइड भी इसको पका लेते हैं। अब एक बार इस तरीके से भी पाव बड़ा बनाया। ये बड़ा पाव नहीं है, पाव बड़ा है। इसी तरीके से हम दोनों साइड पलट पलट के और इसको सुनहरा होने तक पका लेंगे। हमने दोनों साइड पलट पलट के इसको पका लिया है। हमारा पाव बड़ा बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम आपको काट के दिखा देते हैं अंदर कैसा ये है। इस बीच में आलू का मसाला है और दोनों साइड ब्रेड है और इसमें बेसन की कोटिंग है। अब दूसरे तरीके से बनाते हैं। आलू का हम मसाला जो तैयार किए थे इसके गोली बनाकर थोड़ा सा चपटा कर लेंगे, बेसन में लपेटेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे।
इसको हम फ्राई कर लेंगे दोनों साइड पलट पलट के, और जब अच्छा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे और पाव में हम इसको पाव को बीच से काटेंगे, उसमें चटनी लगाएंगे और इसको उसमें भर देंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही अब हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। पाव लेंगे और नीचे के साइड में हम आलू लगा देंगे, ये उल्टा बड़ा पाव है तो नीचे के साइड में हम आलू लगाएंगे और इसमें बेसन लगाएंगे, बेसन अच्छी तरह लपेट लेंगे इसमें और तब इसको फ्राई करेंगे। हम यहाँ पे कम कम बना रहे हैं इसलिए हमारा दुकान जैसा तो पलटेगा नहीं, लेकिन ये डालने पे कढ़ाई में पलट जाता है क्योंकि एक साइड आलू लगाया हुआ है और वजन ज़्यादा होने की वजह से आलू के साइड से पलट जाता है, इसलिए इसको उल्टा बड़ा पाव बोलते हैं। इसको भी पलट पलट के दोनों साइड हम कलर आने तक, ये भी पलट रहा है इसको हम पकड़ के रखे हैं ताकि पलटे ना, इसलिए इसको उल्टा पाव बड़ा पाव बोलते हैं। और तीनों तरह से हम इसी तरीके से बना लेंगे। कलर देखिए हमारा आ गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। काटने के बाद ये लगभग ऐसा तैयार होगा। एक साइड आलू का मसाला है और एक साइड ब्रेड है। इस तरीके से एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको हमारी ये तीनों तरह की बड़ा पाव की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।